अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम्मी किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलूओं को बॉईल कर लिया था। इसे एक बाउल में अच्छे तरीके से जो है मैश करना है। अच्छे तरीके से मैश करने के बाद इसमें जाएगी थोड़े से प्याज, धनिया, और यहाँ पर ली है रेड मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर, और यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च, हस्बे जायका इसमें जाएगा नमक, यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा, इससे जो कटलेट्स हैं वो फ्राई होते हुए टूटेंगे नहीं। थोड़ा सा खटास के लिए लेमन डालेंगे। और थोड़ी सी इसमें जाएंगी धड़ा मिर्च। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे और यहाँ पर कढ़ाई में जो है ऑयल को गर्म कर लेना है। तब तक बना लेते हैं हम अपने कटलेट्स। यहाँ से लेंगे ब्रेड क्रम्स, इसे एक बाउल में डाल देना है। और अब बनाते हैं कटलेट्स। इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है आप शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर एक एक कटलेट्स को जो है सबसे पहले अंडे में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, एक एक को लगाते जाएंगे। और अब इन्हें गरम ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और बाकी 2 को भी डाल देंगे। यहाँ पर आग थोड़ी सी तेज होगी थी, मगर आपको जो है मीडियम फ्लेम पर रखनी होगी, वरना जो है कटलेट्स चल सकते हैं। आराम आराम से इसे पलट दें। और यहाँ पर हमारे कटलेट्स तैयार हैं, इन्हें उतार लेंगे। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर।